सो भाई कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि HD प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में सर एक वीडियो बना दो। तो भाई मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ऐसा कमाल का ऐप, और किस तरीके से आप उसमें अपनी वीडियो बना सकते हो तो वो पूरा ट्यूटोरियल मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप मेरा थंबनेल देख ही रहे होंगे, साइड में दिखाई दे रहा है, वीडियो के ऊपर भी यही थंबनेल मैंने लगाया है। तो आपको गाइज ये थंबनेल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इस तरीके के आप थंबनेल बनाना चाहते हो तो वह आप पिक्सल लैब से कैसे बना सकते हो आज पूरा ट्यूटोरियल मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी इजी तरीके में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई। इससे क्या होगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बात दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से थंबनेल बना सकते हो। तो गाइज मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ दिखा देता हूँ कि आप थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो भाई मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर 3 डॉट्स का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इमेज साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद में आपको कस्टम करना है और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। देन इसके बाद में ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, सिंपली इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में फ्रॉम गैलरी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उससे पहले आपको क्या करना है, सेप्स वाला आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही मैं सेप पर टैप करता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आइकन दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे सेप्स ओपन हो जाएंगे, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट नंबर का जो थंबनेल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर के थंबनेल अगर आपको सेलेक्ट करना है तो जैसा मैंने बनाया था, तो आपको ऐसा करने के बाद में यहाँ पर ओके का बटन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर आपको टैप कर देना है। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद में आपको इसको रोटेट करना है इस तरीके से, और इसको फुल आपको बड़ा कर देना है यहाँ से आइकन से पकड़ कर। तो भाई मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट और कर देता हूँ, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ भाई इस तरीके से। इस तरीके से आपने आपको इसको रखना है, देख लीजिए आप, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अच्छा, बहुत ही अच्छा थंबनेल यहाँ से बना सकते हो। तो मैं इसको जूम फिक्स कर लेता हूँ एक बार, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी जाके आपके जो है समझ में आएगा, नहीं तो आप भाई बोलोगे बाद में भाई ये क्या बता दिया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो आपको इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। देन उसके बाद में क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर टैप करना है। आपको यहाँ पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको इनेबल कर लेना है, और यहाँ से आपको कोई कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फाइनली ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वाले का कलर चेंज करना है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले का कलर चेंज करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है, और ये फर्स्ट नंबर पर कलर का ऑप्शन है, आपको यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना है। तो जो भी कलर आप रखना चाहो, मैं फ़िलहाल इसको रख लेता हूँ। यहाँ से कलर पर टैप करता हूँ और मैं इस कलर को यहाँ से रख लेता हूँ, इस वाले को, ठीक है भाई। इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना ताकि ये प्रोफेशनल लगे आपको देखने में। ये मैंने बना लिया। देन उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो लिख सकते हो टेक्स्ट करके। तो भाई मैं ज़्यादा कुछ तो लिखूँगा नहीं आपको बताने के लिए, सिंपली मैं वैसे ही लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं लिख देता हूँ HD थंबनेल। ओके पर मैं क्लिक करके यहाँ पर इसको, यहाँ से आप जो भी आपने लिखा है इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो भी कलर रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ए वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर से आप इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि ब्लैक रख सकते हो, वाइट, या कुछ और भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फाइनली ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे थंबनेल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पर AB फ्रंट का ऑप्शन मिलता है, तो मैं चंक विंक रखता हूँ हमेशा। देन उसके बाद में यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हो अपने थंबनेल का। तो मैं बैकग्राउंड नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको इनेबल नहीं करूँगा। देन उसके बाद आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको स्ट्रोक में आपको काफ़ी अच्छा थंबनेल आपका बन जाता है।
और इसको आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो। देन उसके बाद में भाई आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर जाना है और अपना फ़ोटो चूज करना है। तो मैं फ़ोटो चूज कर लेता हूँ सिंपली, जो भी मेरा फ़ोटो है। तो भाई मैंने ये फ़ोटो चूज कर लिया और मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रखने के बाद में भाई आप देख सकते हो कितना अच्छा थंबनेल बन रहा है यहाँ पर। तो भाई आप यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हो, मैं टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कुछ लिख नहीं रहा हूँ गाइज। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले वाला। तो इस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हो। और आप एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरे तरीके में गाइज आप क्या कर सकते हो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको दूसरा शेप लेना है। तो आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है और आपको जो यहाँ से दिख जाएगा, तो मैं गोल गोल वाला शेप ले लेता हूँ और आपको यहाँ से ओके करना है और यहाँ से फुल इसको कर देना है। तो जैसे ही आप इसको फुल करोगे भाई, फुल करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देना है और इसको कर देना है बैक। तो आपको यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसको कर देना है बैक, तो आपका फ़ोटो ऊपर आ जाएगा। और देन उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कलर का, तो आप जो भी अपने शेप का कलर रखना चाहते हो वो यहाँ से रख सकते हो। तो मैं इसको इनेबल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कलर आप रखना चाहते हो तो रख लीजिए। यहाँ पर इसने फ़ोटो का कलर भी चेंज कर दिया, तो इसको डिलीट करके मैं दूसरा फ़ोटो लगा लेता हूँ भाई। गैलरी में जाऊँगा, मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो लगा लिया, तो कुछ इस तरीके से मेरा फ़ोटो यहाँ पर लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है थंबनेल बन रहा है भाई। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ से बड़ा जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, या आप यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं और कुछ भी लिख के बता देता हूँ आपको। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए कैसे करें, कैसे बनाएं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टैप कर दिया मैंने, यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी आप चूज कर सकते हो कितना साइज आपको रखना है। तो काफ़ी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और सब तो आपको आता ही है। और प्रोफेशनल थंबनेल मैंने आपको बनावा बता ही दिया गाइस। सो गाइस थंबनेल बनाना तो आप सीख ही गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 1K सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुए तो इस वाली वीडियो को देख लीजिए, आपके 1K सब्सक्राइबर इजीली पूरे हो जाएंगे। और अगर आप पैसों से 1K सब्सक्राइबर करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए,